आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जनाब गर्मा गर्म जलेबी, ताज़ी जलेबी, यहाँ मदरसे होंगे, साथ समोसे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आप सब परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक आप सबकी औलाद को नेक करे, जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। सुबह सुबह का टाइम, अभी उठा हूँ, अभी आदमों भी नहीं धोया, फ्रेश भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा और साथ जनाब अपना दूध उठा लिया, तो बच्चे भी सुबह सुबह बहुत तंग करते हैं, किसी वक्त रात को भी नहीं सोने देते और दिन को भी नहीं सोने देते, पता नहीं दिन को तो है टाइम ही नहीं होता, दिन को तो काम में बिज़ी होते हैं हम, तो दिन को काम में बिज़ी होते हैं और रात को आगे बच्चे जनाब तंग करते हैं, क्या करें फिर। ये भी ये बच्चे ना हो तो हमारी जनाब ज़िंदगी नहीं गुजरती, तो अल्लाह पाक सब के बच्चों को सलामत रखे। तो अभी हम जनाब फ्रेश होंगे, फ्रेश होकर नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर काम पर जाना है मैंने, तो सोचा कि ब्लॉग बना लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो आपने लाइक और शेयर लाजमी करनी है। अच्छा जी, हमारा नाश्ता आ चुका है जनाब, साग वाला पराठा है, साथ देसी घी है, साथ चाय है। ये साग मेरी अम्मी ने स्पेशल मेरे लिए बना के भेजा है, हालांकि जैसे वो जनाब औरतों को पसंद होता है साग, ऐसे मुझे नहीं इतना पसंद, बलर जी उन्होंने भेजे, तो सुबह सुबह नाश्ता करने का काफ़ी मज़ा आता है इसके साथ। अच्छा जी, अभी हम काम के लिए निकल चुके हैं जनाब काम पे, तो आज मैंने सोचा था कि जनाब धूप चुप निकली होगी, मैं ज़रा माल्टे शाल्टे खाऊंगा ज़रा, तो धूप में बैठ के साथ साथ गाड़ी चलाऊंगा, साथ साथ धूप में बैठ के माल्टे खाऊँगा। जनाब हुआ कुछ यूँ कि जनाब धूप निकली हुई है, ये देखें कि तुम धोने के लिए हुई है, ये देखें ज़रा, कैमरा मैन को बोलेंगे कैमरा इधर मारे ज़रा, वो ज़रा तुमने एक दफ़ा फिर वापस आ चुकी है, तो कैमरा मैन इधर मारे ज़रा, मेहरबानी है आपकी, तो काफ़ी ज़्यादा धुंध हो गई है। अभी हम जा रहे थे जहाँ काम के लिए, तो सोचा व्लॉग बना लें, मेरा तो दिल करता है गर्म गर्म पकौड़े हों जनाब, साथ जनाब चटनी हो पुदीने वाली, तो बंदा खाए इंजॉयमेंट करें, हमारी ये छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, लंबी छोटी कोई नहीं। अभी घर से निकले थे काम काज के लिए, काम करने का कुछ अपनी तरीका कार है, मैं कहता हूँ बंदा साथ साथ इंजॉयमेंट करे, साथ साथ काम करे, साथ साथ जनाब बंदा डांस शांस करे, साथ साथ बंदा काम करे। मौसम ठंडा है जनाब, इंजॉय हो रही है, साथ साथ मेहनत कर रहे हैं जनाब, इधर दीने के पास पहुंच चुके हैं हम, तो ये दीने का पुल है, इधर आगे चढ़े तो आगे दीना आ जाता है, तो पूरा आए तो इधर जनाब जिलम आ जाता है, ये अजीब सा एक तरीका कार है इस मुल्क का, पूरा जनाब दीने है तो पूरा जनाब जिलम। ये हमारी जनाब उर्दू है, तो मैंने आप अक्सर पूछते होंगे, आप अक्सर पूछते होंगे कि आपने ये उर्दू किधर से सीखी है, ये मैंने स्पेशल कोर्स किया जनाब, पूरा 3.5 लाख रुपये लगा के, ये गुलाबी उर्दू होती है, ये हर बंदे को नहीं आती आमदी, ये रुको जरा सबर करो। हाँ जी मोरे, ये बंदे जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं ना मेरे जैसे जनाब, उनको ये उर्दू आमदी है। अगर आपने ये उर्दू सीखनी है तो जनाब मैं अपना नंबर डायल कर देता हूँ, ऐड कर सकता देता हूँ साथ, तो आपने जनाब आपसे सिर्फ 50,000 रुपया मंथली फीस होगी, एक माह में आपने पूरा ट्रेन हो जाना है, जैसे ही आपने जनाब ट्रेन हो रहा है आपको इस, जैसे आपको ये उर्दू आवन लगेगी, तो जब आपको ये उर्दू आ जानी है ना, तो यकीन कर सो तुसी के आपको बहुत फ़ायदा होएगा। ज़्यादातर बंदे जनाब ये जो यूके जाते हैं वो मेरे को उर्दू सीख के जाते हैं, क्योंकि ये उर्दू जो है ना बहुत रंगीली उर्दू है, ये हर बंदे को नहीं आमदी, तो लिहाजा तुसी अली उर्दू सीखनी होए आपने तो मुझसे आके आप सीख सकते हैं, तो
दिमाग आपको व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ साथ, तो ये उर्दू बहुत कमाल की उर्दू है, अगर आपने सीखनी हो तो आप रब्ता लाजमी करना है। ये ना हो गए जहाँ सीटें फुल हो जाए, पहले टाइम से आपने रब्ता कर लेना मुझसे। तो अगर आपको वीडियो चंगी लगी तो वीडियो आपको ने लाइक और शेयर लाजमी करनी है। अभी हम ये हम दिने ना दिने पहुँच जाए, देखिए इधर जरा दिने शहर पहुँच जाए, काफ़ी रश लगा हुआ है, जैसे मेला लगे हैं इधर। तो इधर जाओ, लोग अच्छे गचने वाले हैं, साथ ही मीरपुर चले जाए तो इधर कहते हैं अच्छी आओ गच्छी आओ तूसा असा। दिने का विजय इस वहाँ साहब है बोली, जेलम की विजय है, दमेली की विजय ही है, लेकिन हमारे जेलम की इस तरह की बोली नहीं है, अच्छी गच्छी नसी। तो हमारी सादी सी बोली है जैसे मैंने बोली थी, जो मैं वही उर्दू बोलता हूँ ना, वो हमारी जेलम की रंगीली उर्दू है। तो अगर आप जेलम के, आपको फिर सीखने की लोड़ ही नहीं है, अगर आप जेलम के नहीं है तो फिर आप मुझसे सीख सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। मंथली 50,000 रुपये लूँगा मैं आपसे पैसे जनाब, आप हमेशा किस्तों में दे दें अगर आप गरीब बंदे हैं, तो वो प्रॉब्लम वाली गल कोई नहीं है। अभी आप हमें गड्डी चलाने दें, क्योंकि ये ना हो उर्दू सीखते सीखते गड्डी की तरह बज ना जाए, प्रोग्राम बढ़ ना जाए कहीं। लें जी जल्दी में काम होता है ख़राब, हम डमेली मोड़ के पास पहुंचे थे तो जनाब इधर गड्डी का टायर गया फट, खड्डे में जाके वजी है गड्डी जनाब, और टायर इसका गया फट, तो हमारे पास जो जैक है वो भी बड़ा है। अभी फिर मोटरवे वालों को कॉल किए, वो कहते हैं आपको जैक देते हैं लेके, तो मैंने सोचा प्रोग्राम बढ़ेगा नहीं, प्रोग्राम बाकी बढ़ गए इधर आके। तो अभी ये देखें इंजॉयमेंट कर रहे हैं जनाब हम, वो सामने डमेली मोड़ है, काफ़ी मशहूर है उधर उधर के पकौड़े। तो अभी हम वेट कर रहे हैं जी जैक आए तो अपनी मंजिल तक पहुँचे फिर। ले जी फाइनली हमारा टायर जुड़ चुका है, तो अभी हम सुहावा पहुंच चुके हैं, उधर हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था, लेकिन चलें हर काम में बेहतरी होती है, तो कोई नहीं, ये छोटे मोटे काम होते रहते हैं साथ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जो जो ये जा रहे हैं जनाब सबको अपनी मंजिल पे जनाब है खैरियत से बचाए, आमीन तो सुम्मा आमीन। वेलकम बैक जी, अभी हम डोकाम पहुँचे हैं, इधर हमारी जनाब चाचू की बेकरी है, अपनी बेकरी हमारी, तो इनके पास आए हैं जनाब हम, तो ये देखें गरम गरम पकौड़े समोसे बना रहे हैं, ये मैंने इनको बोला स्पेशल समोसे बना रहे हैं जनाब मेरे लिए, ये देखें जनाब समोसे तैयार हो रहे हैं इनके पास, और भी ये देखें जलेबी इनके पास माशाल्लाह, बड़ा नाम है इनका, यही समझे कि ये आपके भाई की शॉप है ये भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो बड़ा प्यार है हमारा इनके साथ, ये देखें नमक पारे, ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मरसे चाचू है, मरसे में चाचू इन्हों क्या कहते हैं, शक्कर पारे, शक्कर पारे जनाब, ये हमारे चाचू हैं। चाचू सुनाएं कैसे हैं आप, ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा जा रहा है काम शाम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चाचू दिन में कितने की पकौड़े समोसे बना लेते हैं, कितने की समोसे? पकौड़े कार सोने अगर डोगदार समोसे का, माशाल्लाह काम शाम ठीक है आपका जनाब जी, अल्लाह का करम। तो जनाब अल्लाह पाक मजीद बरकत डाले, ये देखें जनाब चाचू समोसे बना रहे हैं, अभी अंदर बेकरी भी है, वो भी आपको विजिट करवाते हैं हम। ऐसा ये जनाब उस्ताद हैं, वो चाचू वैसे लगे हुए हैं समोसे बनाने, वो ओवर टाइम काम करते। अच्छा जी मेन उस्ताद ये हैं, ये जनाब करते हैं समोसे पकोड़े बनाते हैं, ये बहुत हमारे प्यारे भाई हैं। अच्छा जी उस्ताद जी कितना अरसा हो गया आपको समोसे पकोड़े बनाते हुए? कम से कम 17 साल। 17 साल हो गए जनाब, तो वो चाचू तो कह रहे हैं हम दिन में 2-3 हज़ार समोसा निकाल देते हैं, तो क्या ये बाकी बात ठीक है? अच्छा काम शाम भी माशा ठीक है आपका। अच्छा ये समोसा आप बनाते हैं उसमें आपको बताएं ना कि आलू डालते हैं और क्या मसाला होगी, फार्मूला बताए ना? फार्मूला तो फिर दुकान का अपना अपना होता है, घर का अपना अपना होता है। अच्छा जी यकीन करें ये नहीं कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं इनके पास ना हर वीकली आता हूँ, तो जब भी मैं ना इनके पास आया हूँ जनाब तो पहले समोसा चाट खानी है साथ जी, अभी मैंने ना कोल्ड ड्रिंक ली है जनाब स्टिंग की, तो अभी मेरा कहते हैं समोसे अभी बन रहे हैं,
तो साथ समोसा चाट खानी है तो फिर अगला काम मैंने करना होता है, तो ये समझे कि ये मेरा लंगर पानी होता है। तो चाचू ये बात सही है ना? हाँ ये बात तो बिल्कुल। अक्सर आप मुझे कहते हैं मुक गया चलो घर जाओ। अच्छा जी, ये इनके पास और भी काफ़ी रेंज है, मुझे लगता है लाइट गई हुई है, इनकी बिजली बड़ी डाउन हो गई है। तो ये देखें इनके पास बेकरी का भी सामान है। एक और हमारे भाई इधर होते हैं, वो गए हुए हैं कहीं, तो वो होते तो उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। तो एक और इधर छोटा भाई है, आपकी मुलाकात करवाते हैं उससे भी, वो फ़िलहाल बिजी है। इन्होंने जनाब काफ़ी रेंज रखी हुई है, बड़ा नाम है इनका, एरिया इनका डोकम्ब है, सुहावे से आगे चकवाल मोड़, चकवाल वाली रोड आती है। तो माशाल्लाह बड़ी रेंज इनके पास, बड़ा इस्लाम दुआ इनकी हमारे साथ। तो बहुत अच्छे प्यार वाले बंदे हैं ये, वाहिद बंदे हैं, मतलब जिनकी मेरी बहुत क्लोज है इस्लाम दुआ काम के वाले से। तो सारा स्टॉक भी मुझसे लेते हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इस्लाम दुआ बनी हुई है इनके साथ। तो माशाल्लाह काम शाम भी ठीक है। तो आपने जब भी कभी आना है आपने खाली कहना कि असद ने भेजा है, तो आगे आपकी खिदमत ये खुद करेंगे। ये भाई का वेट था जनाब, भाई आ चुके हैं जी। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है, कैसा जा रहा है काम शाम आपका? अच्छा जा रहा है आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। जरा बताएं ना आपका माशाल्लाह समोसों का भी काम ठीक है, चाचू बाहर लगे हुए समोसे बना रहे हैं आप थोड़ा ताड़। तो क्या भी मतलब समोसे आप बनाते हैं आपने, या तो ये क्या सिस्टम है इसका? मिठाई जो होती है आपकी, ये भी आप अपनी बनाते हैं या क्या चक्कर? नहीं, ये दुताला से लाते हैं। अच्छा, अपनी बनाई लेके आते हैं आप जी? मिठाई कितनी आप निकाल देते हैं रोज की डेली बेस पे? एक बार माशाल्लाह काम शाम ठीक है यहाँ, इसका मतलब आपकी दुआ होनी चाहिए। तो जनाब जैसा कि आपको बताया था, ये जनाब बट्टी बेकर्स है दो कैंप में। तो ये मेरे बहुत प्यार वाले बंदे हैं, एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ। तो आपने जब भी आना है, अच्छा ये बताएंगे जब मेरे थ्रू कोई बंदा आएगा बोलेगा जी मैं असद को जानता हूँ, तो आप उसको कोई तामा शामा करेंगे, कोई पानी शानी उसको पूछेंगे? ये देखें ये मेहरबानी जनाब आपकी, देखें जी मेरी तरफ से आपको जनाब, जब भी आपने आना है कोई भी भाई आया आपने हाल ही मेरा बताना है, तो इंशाल्लाह कभी भी आपको कोई मसला परेशानी हो तो हम हाज़िर हैं और ये भाई भी हाज़िर है। लें जी अभी हम बेकरी से निकल चुके हैं, पेट पूजा की है, फिर काम दूजा करना, अभी वापस जा रहे हैं। तो इंटरव्यू लिया है जनाब बेकरी से, जनाब अभी समोसे पकोड़े खाए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी है, तो अभी जनाब वापस जा रहे हैं। अभी हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि टायर पंचर हुआ था जिसकी वजह से घंटा हमारा उधर ही ज़ाया हो गया, तो अभी वापस जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। A few moments later. कि हम काम खत्म करके वापस जा रहे हैं घर की तरफ, टाइम काफ़ी हो चुका है। मैं तो सुबह जल्दी निकला, मैंने सोचा कि एक दो बजे फ्री हो जाऊंगा, असल में गाड़ी ने थोड़ी सी प्रॉब्लम की है, गाड़ी का टायर गया था फट, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। अभी मैंने जनाब छोड़ा नहीं है इसको, इसको नहीं छोड़ा सुहावे को। क्या सोच है रे तेरी? सुहावे के करीब ही अभी इधर टूल प्लाजे पे हमने देनी है जनाब पर्ची, पर्ची मतलब टूल टैक्स देना है, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया है, मेरी आदत बनी हुई है दिन को खाना जो है ना मैं घर से खाता हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ तो घर जाके भी खाना खाना है। तो मौसम देखे ये सामने, तो देखे बहुत सामने टूल प्लाजा, उधर ही देखो अभी टूल प्लाजा के पास पहुँच चुके हैं हम। ये जनाब क्या नाम है इसका, तरक्की 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 टूल प्लाजा जनाब, तरक्की है, इसने बहुत तरक्की की है जनाब। अभी हम इधर इनको टूल प्लाजा देंगे, प्रेशर का टाइम भी हो चुके हैं। ये चाचू को पैसे देंगे, चाचू पैसे लेने, चाचू अपनी गलां में मसरूफ है, डंडा भी नहीं उठा रहे जी। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? मतलब जो है इन्होंने लगाया होता है। ये जनाब देखें गाड़ी खड़ी है जनाब पुलिस वालों की, ये देखें मौसम के क्या हालात है, धुंध पई हुई है बहुत गाड़ी किस्म की। तो अभी चीटिंग करता है तू, हम वापस जा रहे हैं, थकावट हो चुकी है काफी ज्यादा, तो मैंने समझा कि व्लॉग बना के अपनी थकावट दूर करते हैं। तो देखें माशाल्लाह पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची है इधर, बहुत पहाड़ है इधर जहाँ, बहुत प्यारा मौसम है इधर। ये देखें जनाब कितने पहाड़ है इधर, कैमरे मैन को बोलेंगे एक दफ़ा बाहर से घुमाओ ऐसे करके। कैमरा मैन जनाब हमारा सोया रहा था हर टाइम, इधर देखें कैमरा मैन साहब, इधर देखें, इधर सामने देखें,
ये देखे जनाब चांगा मांगा का जंगल भी है इधर। ये जैसे टोल प्लाजा क्रॉस करे जब हम जाते वक्त तो काफी प्यारा व्यू आता है रास्ते में, तो अक्सर लोग अभी इधर टेरेस पे रुके होंगे जनाब। जैसे जनाब पता नहीं क्या इंग्लैंड आए हुए हैं, पसीने बना रहा होगा कोई, क्या कर रहा होगा। तो हमारे नज़दीक तो इस जगह की वैल्यू साफ से नहीं है क्योंकि हम रोज इधर से गुजरते हैं, मगर अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। काफ़ी प्यारा मौसम है हमारे एरिए में, वो देखे ना डबल चारा लगाया हुआ है बंदे ने, इधर खड़ा होगा दो तसीने बनाई होंगी इसने जनाब, फिर निकल गया होगा। तो अभी एक और खड़ा हो गया इसी चक्कर में, क्या बात है। ये ट्रक वाला भी रुका है, कहता मैं भी बना लूँ दो तस्वीरें, इस बेचारे को रुकते रुकते डेढ़ घंटा लग जाएगा। ये इनाब देखें, यू देखें इनाब, बदल तूफान इनाब, तूफान नहीं धुंध नजर आ रही होगी आपको इनाब। ये पहाड़ियां हैं, केटू की पहाड़ियां हैं ये सामने देखें इनाब, कुछ नजर नहीं आ रहा, आप पास देखते जाए इस साइड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, ओपन एरिया है इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, ओपन एरिया सारा। तो जनाब धुंध पे ही हुई है काफी शदीद किस्म की, ठीक है अभी हम जा रहे हैं वापस और ये साथ ही हम आपको दिखाएंगे, तो उसके बाद फिर आपसे थोड़ी देर के लिए इजाजत लेंगे क्योंकि जाना फिर पाई स्टैंड चुकला है, स्टैंड चुकला है, हेलो आपकी स्टैंड चुकला जजू हेलो। इधर जैसे पुल क्रॉस करें ना पुल के वो सामने दिखाओ जी, ये जनाब वो यूनिवर्सिटी नीचे आपको शायद नजर आ रही होगी, ठीक है ये यूनिवर्सिटी है जो जनाब इमरान खान साहब ने बनवाई थी साथ, इधर से आपको शायद नजर आ रही है। हमारा कैमरा मैन भी बहुत आउट क्लास है जनाब, मुंह किधर होता है और कैमरा किधर होता है जनाब, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ हमारा शीशा गंदा है, कुछ हमारी गड्डी गंदी है, कुछ हम गंदे हैं इसलिए नजर नहीं आएगा। तो अभी जनाब आगे निकल आए हैं हम इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आएगा। ये इधर लिखा भी हुआ है अल कादर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सुहावा, ये इधर आपको नजर आएगा जनाब। ये देखें जनाब ये यूनिवर्सिटी है, इधर अक्सर जनाब एक्सीडेंट होते रहते हैं क्योंकि जगह काफ़ी ख़तरनाक है, और हमारे पाकिस्तान की रोडें भी बहुत अच्छी प्यारी रोडें हैं, देखें कितनी प्यारी रोड है जनाब, पट्टी हुई है हर जगह से। तो जनाब अभी फ़िलहाल हमें दें इजाज़त, हमने जाके आगे पहुँचानी है। लें जी शाम का टाइम हो चुका है तो हम अपने शहर जिलों में पहुँच आए हैं, टाइम का तो पता ही नहीं चलता, ऐसे टाइम गुजरता जैसे पता नहीं क्या हो गया, हालांकि इतने काम भी नहीं करता लेकिन फिर भी टाइम गुजर जाता है और काफ़ी सारे काम जो पेंडिंग रहते हैं। तो अभी हम जादे के करीब हैं, अभी हम जाएंगे घर, घर जाके फ्रेश होंगे तो बच्चों के साथ अल्लाह गुला करेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब बंदा घर जाता है ना, तो बंदा कहता है मेरी जो मेरी नेचर है मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बड़ा दिल करता है जल्दी जल्दी घर जाऊँ और बच्चों को देखूँ तो फिर जाके सुकून आता है के बच्चों को देखा जी। तो अभी हम ये ज़्यादा पहुँच जाए, ये मॉडल बाज़ार है, ये जनाब हांडी हाउस है साइड पे जनाब, काफ़ी रौनक लग गई इधर भी, काफ़ी जनाब माहौल बन गया हुआ है इधर हमारे जिले में। तो ये बोर्ड भी लगा हुआ है जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा जनाब, गुजरात लाहौर और जिलम शहर, ये देखें जनाब। एक दफ़ा फिर आप सबको जनाब वेलकम जी आया नू। तो अभी हम घर आए हैं, फ्रेश हुए हैं, मुंह शुद्ध होया थोड़ा थोड़ा क्योंकि गर्म सर्दी है ना, पाई ठंडा पानी है इसलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो ऊपर ऊपर से धोया हमें बस मटा मटा ज्यादा नहीं। तो घर आए हैं अभी, फिर हमने क्या खाना शाना खाएं, घर आए हैं तो जनाब आगे देखा तो बिरयानी बनी हुई है, ये बिरयानी देख सकते हैं आप जनाब, तो बड़ी मज़े की लग रही है, अभी खाई नहीं है, खा के चेक करते हैं। साथ हमारे जनाब दही है, दही के साथ हमारे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मैंने आपके साथ ही थोड़ी सी पी ली है, तो मैंने कहा चले बिरयानी खाते हैं अभी आपके सामने, ज़रा खा के देखते हैं कैसी बनी है, चंगी हुई तो फिर भी बताएंगे, तो माड़ी हुई तो फिर भी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान,
इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे दही। मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे पुदीने वाली चटनी पसंद है तो वो जल्दी में बनी नहीं है, इसलिए अभी हम खा के देखते हैं कि कैसी बनी है। मज़े की है कि बस हमें ये बस देख लेते हैं कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मज़े की है, अच्छी है। तो ये जनाब जन्नत है, जन्नत की हालत देखें, वो देखें, बेबी भी हंस रहा है, यूसर भी हंस रहा है। तो अभी आप हमें देख खाना खाने, इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। आप में अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो आप लाइक और शेयर लाजमी करनी है। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह सुबह होती है मुलाकात। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।